नागपुर ग्रामीण अंतर्गत होने वाली विभिन्न घटनाओं का जायजा पुलिस द्वारा लिया गया। इसके संदर्भ में जानकारी देने हेतु पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। इस समय विभिन्न मामलों का खुलासा किया गया। पहला मामला नागपुर ग्रामीण अंतर्गत आने वाले विभिन्न सेनमारियों की घटना पर नकेल कसने के उद्देश्य से नागपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जहां लगभग 8,52,510 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है, जहां 5 मामलों का खुलासा किया गया, साथ ही साथ 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि मामले में निहित आरोपियों द्वारा उमरेड़ कुही और बुटीबुड़ी क्षेत्र अंतर्गत सेनमारी की घटना उजागर हुई है। नागपुर ग्रामीण में घरफोड़ी करने वाले चोरी के गैंग को हमने पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपियों को ताबे में लेने के बाद में उनसे निष्पन्न हुए हैं कि वो उमरेड़ कुही और बुटीबुरी एरिया में घरफोड़ी वगैरह करते थे, और इसमें से ये जो भी घरफोड़ी करके जो भी चोरी का माल रहता था जालना में एक ज्वेलर के पास में ये बेचने के लिए पहुंचाते थे, तो उनसे रिकवरी वगैरह किया है। तो इसमें इकुन 131.5 ग्राम का जो है सोना हमने रिकवर किया है, जो कि 5.52 लाख का टोटल चोरी का माल है। इसके अलावा 3 लाख इतर मुद्दे माल, जो कि 4-चाकी वाहन हो, बाकी के जो भी चोरी के दरमियान यूज़ किया गया वगैरह सामग्री को मिला के 8.52 लाख का जो है टोटल रिकवरी हुआ है। इसमें हमने टोटल 5 गुने जो हैं ओपन किए हैं, डिटेक्ट किए हैं, और ये 5 के 5 जो है नागपुर ग्रामीण के हैं, 2 उमरेड़ के, 2 कुही के और 1 बुटीबोरी का है। पत्र परिषद अंतर्गत दूसरा मामला उजागर किया गया, जहां नागपुर ग्रामीण पुलिस अंतर्गत आने वाले मोबाइल टावर की बैटरी या चोरी करने का मामला आगे आया है, जहां कुख्यात आरोपियों द्वारा टोली बनाकर इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस मामले में लगभग 26,70,150 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया। साथ ही साथ मामले में निहित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कई पुलिस थाना अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं। रिलायंस जियो के जो मोबाइल टावर है, जिसमें एक तो बैटरी चोरी का जो है एक टोली को हमने डिटेक्ट किया है। एकुन इसमें 2 मेन चोर है जिनको अरेस्ट किया है, तो इनका मॉडस अपनी तरफ से निष्पन्न हुआ है कि ये पहले रेकी करते थे मोबाइल टावर्स जो भी थोड़े आइसोलेटेड स्पॉट्स में हैं, और फिर रात में जाके मोबाइल टावर में ताला वगैरह तोड़ के फिर उसमें से जो रखे गए बैटरीज, स्पेशली दोज मेड ऑफ कॉस्ट लाइट एंड VRLA कंपनी के जो बैटरीज उसमें लगे रहते थे, उसको चोरी करते थे। चोरी करके फिर इतर आरोपी के हाथों से जो है इसको दिल्ली पहुंचाया जाता है। तो ऐसे हमने इकुन नागपुर ग्रामीण के 20 गुने जो है ओपन किए हैं। इसके अलावा नागपुर सिटी के 2 गुने ओपन हुए हैं एंड वर्धा ज़िले में 5। तो कुल मिला के 27 केसेस जो मोबाइल चोरी के, मोबाइल टावर बैटरी चोरी के जो केसेस है वो ओपन हुए हैं। टोटल मुद्देमाल जो अभी तक हमने जब्त किया है, दैट इज 26,70,000। आयोजित पत्र परिषद में पुलिस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण विशाल आनंद द्वारा तीसरा मामला उजागर किया गया है, जहां मौदा पुलिस थाना अंतर्गत एक गतिमान किशोरी की हत्या के मामले की गुत्थी सुलझाई गई है, जहां निहित कुख्यात आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 35 वर्षीय महेंद्र प्रभाकर मिसार और 29 वर्षीय प्रशांत नागतोड़े, यह 2 आरोपी शामिल है। बेसिकली विक्टिम जो है 19th को जख्मी अवस्था में नागपुर रूरल के मौदा पुलिस स्टेशन के हद्दी में नवकार लॉजिस्टिक पार्क इस कैंपस में जो एंट्री गेट पे सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो कमरा बनाया रहता था वहाँ पे पाई गई थी। उनको तुरंत फिर जैसे ही हमको डायल 112 पे कॉल आया पुलिस स्टेशन के लेवल पे,
एक लेडी ऑफिसर जाके रेस्पॉन्ड करके फिर उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, मेयो हॉस्पिटल, जिसमें उनका उपचार चालू हुआ। एंड उनका डिटेल्स जब हम वेरीफाई करने चालू किए तो हमको ऐसा निष्पन्न हुआ कि उसी दिन 19th को मॉर्निंग के टाइम पे, यानी ये विक्टिम जो है पुलिस को सवेरे जो है हमने 9 बजे मेयो हॉस्पिटल में भर्ती किया था, और उसी दिन 11 बजे यशोधरा पुलिस स्टेशन जो कि नागपुर सिटी में आता है उसमें एक मिसिंग कंप्लेंट जो है फाइल किया गया था, जिसमें इसी विक्टिम के जो है मिसिंग होने का फरियाद वगैरह दिया गया था। तो 19th को मॉर्निंग आफ्टरनून 1 o'clock वी केम टू नो दैट वो विक्टिम जो है सेम है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज़ नागपुर।